हाय गाइस, मेरा नाम है संदीप और ये है वन प्लस 10 प्रो 5G से पोर्टेड ऑक्सीजन ओएस 12 का एंड्रॉयड 12 बेस्ड अपडेट पोको X3 प्रो के लिए, जिसका इंस्टॉलेशन मेथड मैंने ऑलरेडी कल यहां पर अपलोड कर दिया था। और इस वीडियो के अंदर हम सभी चीज़ें चेक करेंगे, गेमिंग जो ऑप्टिमाइजेशन है, UI का एक्सपीरियंस है, बैटरी है, सभी चीज़ें मैं बताने की कोशिश करता हूं और इवन फीचर्स वगैरह भी चेक कर लेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं अबाउट फोन पेज के अंदर, बट उससे पहले जो सेटिंग का लेआउट है वो कुछ आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर आपको मिलता है अबाउट पेज या फिर अबाउट फोन पेज, यहां पे आप देखोगे तो आपको यहां पर डिवाइस नेम मिल जाता है OnePlus 10 Pro 5G, उसके बाद मॉडल वगैरह और रैम वगैरह आपको सेम मिल जाती है और प्रोसेसर यहां पर लिखा है 855 ऑक्टाकोर, जो कि गलत है वैसे तो, बट इट डजंट मैटर। यहां पे अगर आप देखोगे एंड्रॉइड वर्जन आपको 12 देखने को मिलता है, क्योंकि ये यहां पर ऑक्सीजन OS 12 है, AKA आप बोल सकते हो कलर OS 12, और जो सिक्योरिटी पैच लेवल है मार्च 5 2022 से अपडेटेड है। और कर्नल वगैरह आई थिंक यहां पर आपको यूज देखने को मिल जाता है ऑक्सीजन, और जो बिल्ड नंबर है वो आप यहां पर चेक कर सकते हो, ये आपको बिल्ड नंबर के अंदर चीजें चेंजेस देखने को मिल जाती हैं। अब सबसे पहले यहां पर बात करेंगे इस रोम के फीचर्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं स्टार्टिंग से पर्सनलाइजेशन के ऊपर। सो पर्सनलाइजेशन के अंदर वॉलपेपर का सेक्शन कुछ आपको ऐसा देखने को मिलता है, लाइव 8 वॉलपेपर्स आपको मिलेंगे, देन स्टैटिक्स आपको यहां पर 11 वॉलपेपर्स मिलते हैं। ये थीम्स का सेक्शन है, थीम ऐप आप यहां पर जो है ओपन कर सकते हो, देन आइकन्स को आप यहां पर कुछ इस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो। यहां पर काफी सारे चेंजेस आपको मिल जाते हैं, इनका साइज वगैरह आप यहां पर जो अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकते हो। और क्विक सेटिंग के अंदर जो है ये आइकॉन्स मिल जाते हैं, सबके सब ऑलमोस्ट वर्किंग है, कलर्स के अंदर सभी ऑप्शंस हैं, उसके बाद फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज वगैरह आप यहां पर कस्टमाइज कर सकते हो। OnePlus Sans फॉन्ट है, उसके बाद यहां पे आज जो है इनको बड़ा छोटा अगर करना चाहते हो तो वो ऑप्शन आपको मिलेगा। और यहां पर जो होम स्क्रीन है और लॉक स्क्रीन है, इसके अंदर आपको जो है ऐप ड्रॉअर मोड मिल जाता है या फिर स्टैंडर्ड कर सकते हो। होम स्क्रीन लेआउट्स आपको यहां पर अप टू 5x6 देखने को मिल जाएंगे, एंड उसके बाद आइकन ऑटोफिल है, आइकन पुल डाउन जेस्चर आपको मिल जाएगा जो कि आप यहां पे देख सकते हो, डेमो के अंदर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन का ऑप्शन है, जिसके अंदर नोटिफिकेशन या फिर आप जो है यहां पर जो है ग्लोबल सर्च को इनेबल कर सकते हो। ऐप एनिमेशन वगैरह आपको स्पीड देखने को मिलती है, जो कि यहां पर MIUI के अंदर भी अभी आ चुका है, तो ये ऑप्शन है। रेज टू वेक है, डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन ऑप्शन है। रीसेंट टास्क मैनेजर आपको मिल जाएगा, और ये कुछ फीचर्स आपको इसके लॉन्चर के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अब डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर आएंगे, ऑटो स्विच का ऑप्शन आपको मिल जाता है, और यहाँ पे आप लाइट या फिर डार्क मोड को इनेबल कर सकते हो, और ब्राइटनेस आपको मिल जाता है। उसके बाद नेचर टोन डिस्प्ले है, कलर स्कीम ये आपको मिल जाती है जो कि आप यहां पर क्लियरली नोटिस कर सकते हो, तो ऑलमोस्ट काफी सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। देन आई कंफर्ट है, उसके बाद ब्राइट HDR वीडियो मोड है, उसके बाद हाई रिफ्रेश रेट वगैरह का ऑप्शन है, और इसके लिए एक डेडिकेटेड ऐप आपको मिल जाता है जिसके थ्रू आप यहां पर जो है 120 90 या फिर 60 हर्ट्ज के ऊपर अपने फोन को स्विच कर सकते हो। साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर आएंगे तो ये कुछ आपको यहां पर जो है ऑप्शंस मिलेंगे, हैप्टिक्स एंड टोन्स का ऑप्शन है, और सिस्टम हैप्टिक्स आप यहां से इनेबल कर सकते हो, और एडवांस्ड ऑप्शंस के अंदर आपको डिफॉल्ट रिकॉर्डर वगैरह देखने को मिल जाता है, कोई आपको डॉल्बी वगैरह का ऑप्शन फिलहाल नहीं मिलता। नोटिफिकेशन एंड यहां पर जो है स्टेटस बार के अंदर स्टेटस बार है, यहां पे बैटरी स्टाइल्स आपको मिलेंगे, एंड जो लेआउट है वो थोड़ा डिफरेंट हो चुका है अगर आप इसको कंपेयर करते हो ऑक्सीजन ओएस 11 के साथ में। नोटिफिकेशन आइकॉन्स के अंदर भी आपको लेआउट नया देखने को मिलता है, यहां से आप जो है रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को इनेबल कर सकते हो, बाकी हाई परफॉर्मेंस मोड वगैरह के रिलेटेड ऑप्शंस आपको यहां पर मिल जाएंगे। देन प्राइवेसी एंड या फिर जो है सिक्योरिटी के अंदर आपको फेस अनलॉक डेड देखने को मिलेगा, और ऐप लॉकर भी आपका डेड है, बट जो है फिंगरप्रिंट काफी अच्छे से वर्किंग है, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। बैटरी का सेक्शन देख सकते हो कुछ ऐसा है, और ऑलमोस्ट मैंने इसको कल से इंस्टॉल कर रखा है, सो यहां पे आप चेंजेस देख सकते हो, जो ऑलमोस्ट ग्राफ है वो कुछ ऐसा आपको मिल जाएगा। उसके बाद एप्स है, एप्स के अंदर ये वाले ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें ऑटो लॉन्च वगैरह का ऑप्शन मिलता है, तो सभी चीजें ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, ज्यादा कोई वैसे बड़े फीचर्स आपको नहीं मिलते ऑक्सीजन ओएस 12 के अंदर, जस्ट थोड़ा सा लेआउट चेंज हो चुका है और कुछ जो है चीजें अडेप्टेड है कलर ओएस 12 से। अब ओवरऑल UI एक्सपीरियंस की बात करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था इसके अंदर एक ऐप आपको मिल जाता है रिफ्रेश रेट नेम से, जैसा हमने जो है एंड्रॉइड 13 बीटा 1 के अंदर देखा था, तो यहां से आप डायरेक्टली सेट 120 हर्ट्ज के ऊपर जो है जा सकते हो या फिर 90 और 60 आपके लिए है, तो आप जो भी यूज करना चाहते हो वो आप यहां से कर सकते हो। अब मैं UI एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन की स्पीड आप फास्ट या फिर मीडियम या फिर जो है थोड़ा स्लो कर सकते हो, कुछ ऐसी एनिमेशन की स्पीड आपको मिलती है, ये मीडियम है एंड यहां जो है आपको कोई भी लैग स्टटरिंग नहीं आने वाली, बट हां इन जनरल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बट आपको समटाइम्स बीच बीच में जो है
ग्लिचेस या फिर थोड़े थोड़े ऐसे फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिलेंगे, थोड़ी स्टटरिंग फील होने वाली है जब आप यूआई को स्क्रॉल वगैरह करोगे या फिर आप जो है यहाँ पर जो है ऐप ओपन क्लोज करोगे ना, तो थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है। जो गूगल कार्ड्स हैं उसके अंदर जो स्क्रोलिंग है ना वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ, कुछ ऐसी आपको स्क्रोलिंग देखने को मिल जाती है। सो स्क्रोलिंग के अंदर बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बट हाँ समटाइम्स यूआई के अंदर जैसे ऐप ओपनिंग क्लोजिंग हुआ उसके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है। सो यहाँ पर थोड़ा सा यूआई को और ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है, बट ये एक पोर्ट रोम है और ऑफ कोर्स एंड्रॉइड 12 के ऊपर बेस्ड है, तो हाँ थोड़ा सा टाइम लग सकता है। मे भी अगर कोई और अपडेट आएगा तो और अच्छी स्मूथनेस आपको मिल जाएगी। उसके बाद यहां पे एक और मेरे को इशू है, जैसे ऐप ड्रॉअर को हम ओपन कर लेते हैं तो यहां से ना समटाइम्स ये क्लोज नहीं होता, जो कि आप यहां पर क्लियरली चेक कर सकते हो। तो आपको ऊपर से इसको जो है नीचे करना पड़ेगा, आप देख सकते हो स्वाइप डाउन करना पड़ेगा, यहां से समटाइम्स ये ना अच्छे से स्क्रॉल डाउन नहीं होता, तो ये एक आपको थोड़ा सा ग्लिच देखने को मिलता है। एंड इसका कोई अपडेट भी वैसे जो है प्ले स्टोर के अंदर नहीं आया लॉन्चर के रिगार्डिंग, जैसे ऑक्सीजन ओएस 11 के अंदर जो है सिस्टम लॉन्चर का आता है ना वन प्लस लॉन्चर का, तो वो यहां पर आपको नहीं मिलेगा। कुछ जनरल या फिर जरूरी चीजों की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चेंज लॉग था ना उसके अंदर मेंशनड है सीडीएस प्रोफाइल आपका पास्ड है विद और विदाउट रूट, बट यहां पर जो आपका डिवाइस है ना वो नॉट सर्टिफाइड है। अभी मैंने वैसे फोन को रूट कर रखा है, बट विदाउट रूट जब मैंने इसको चेक किया था ना तब भी प्ले स्टोर का डेटा वगैरह भी क्लियर करके देखा, तब भी जो डिवाइस था वो नॉट सर्टिफाइड शो कर रहा था। तो आप चेक करके बताना अगर आप यूज कर रहे हो तो कि आपका जो डिवाइस है वो सर्टिफाइड है या फिर नहीं, तो ये चीज आप मेरे को जरूर से बताने की कोशिश करना। एंड डीआरएम इन्फो के अंदर वाइडबैंड L1 आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहां पर जो चार्जिंग स्पीड है 33 वॉट का जो चार्जर है वो सपोर्ट नहीं करता, तो ये कुछ स्पीड मेरे को मिली है मैक्सिमम 3000 मिली एम्पीयर के आसपास। एंड अगर आप फोन को रख देते हो तो मैक्सिमम जाएगी 34 या फिर 3500 मिली एम्पीयर के आसपास, तो ये डिपेंड करता है एंबिएंट टेम्परेचर के ऊपर भी। उसके बाद जो है यहां पर बात करेंगे सीपीयू थ्रॉटलिंग ग्राफ की, तो 75% तक सीपीयू थ्रॉटल होता है 166000 के आसपास मैक्सिमम जीआईपीएस, और एवरेज है 130000 के आसपास। और जो यहां पर गीकबेंच 5 के स्कोर्स हैं वो आप चेक कर सकते हो, 777 आपको मिलेगा सिंगल कोर एंड 2264 का है मल्टी कोर स्कोर, एंड ये भी वेरी कर सकता है। रीजन मैं दिखाता हूं, सबसे पहले कल मैंने इसको जब रन किया था तो स्कोर्स कुछ ऐसे आए थे, और जब आज मैंने इसको रन किया तो स्कोर्स कुछ ऐसे हैं, तो डिफरेंट या फिर जो है एंबिएंट टेम्परेचर वगैरह के ऊपर डिपेंड करता है डिफरेंट कंडीशंस के अंदर। तो स्कोर्स वगैरह वैसे अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बट अगर हम बात करते हैं बैटरी कंजप्शन की तो यहां पर जो बैटरी की ऑप्टिमाइजेशन है ना वो काफी ज्यादा अमेजिंग है। ऑफ कोर्स ये वाली रोम आपको एक पोर्ट रोम मिलती है, बट यहां पर जो है ना कोई भी ऐसे मेजर हीटिंग इश्यूज आपको नॉर्मल यूसेज के ऊपर नहीं आने वाले। जो एक्टिव ड्रेन है वो मेरे को यहां पर मिला ऑलमोस्ट 8-10% पर आर के आसपास, आइडल ड्रेन 0.29% पर आर के आसपास। सो यहां पर आप चेक कर सकते हो डीप स्लीप वर्किंग है। एंड इस जो यूसेज है ना इसके अंदर मैंने ऑलमोस्ट गेमिंग भी ट्राई की है और थोड़े सीपीयू थ्रॉटलिंग ग्राफ वगैरह भी रन किया है, नॉर्मली भी काफी यूज किया है, तो जो कंजप्शन है बैटरी का वो काफी ज्यादा सही आपको मिल जाता है। जो बैटरी बैकअप है ना वो उसके रिगार्डिंग आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं आनी चाहिए। अब बात करते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में, तो गेमिंग परफॉर्मेंस वर्स्ट आपको मिल जाती है। यहां पर जो है बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसको एज अ गेमिंग रोम ट्राई करो। ऑक्सीजन ओएस 12 या फिर बोल लो कलर ओएस 12 को एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो इस रोम को डेफिनेटली फ्लैश कर सकते हो। उसके साथ में यहां पर आपको जो है मैक्सिमम फ्रेम रेट्स मिलते हैं 60 तक, यानी कि 60 FPS आप मैक्सिमम जो है जा सकते हो। 90Hz वगैरह का ऑप्शन, 90 FPS का ऑप्शन आपको नहीं मिलता, तो 60 FPS के ऊपर भी जो है ऑप्टिमाइजेशन काफी पुअर आपको मिल जाती है, जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो उतनी अच्छी आपको नहीं मिलती, और फ्रेम ड्रॉप्स काफी ज्यादा होते हैं जो कि आप क्लियरली नोटिस कर सकते हो गेम प्ले के अंदर। सो यहां पर काफी सारी चीजें हैं, बट हाँ बैटरी बैकअप और अगर आपको एक्सपीरियंस करना है ऑक्सीजन ओएस 12 को तो डेफिनेटली फ्लैश कर सकते हो। सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, वीडियो को लाइक कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।